ट्रैप एक ऐसी सैनिटरी फिटिंग है, एक ऐसी स्वच्छता फिटिंग है जो स्वच्छता उपकरणों के जल निकास सिरे पर लगाई जाती है, ताकि सीवर से निकलने वाली जितनी भी गंदी वायु है, जितनी भी हमारी दूषित गैसें हैं, वो भवन के अंदर प्रवेश न कर सकें। लेकिन किचन, टॉयलेट, बाथरूम, वाटर क्लोजेट्स, इनसे निकलने वाला वेस्ट वाटर हमारा सीवर पाइप में, सीवर लाइन में चला जाए। ट्रैप नाली के कीड़ों को भी सैनिटरी फिटिंग में घुसने से रोकता है। ट्रैप की एफिशिएंसी इसकी वाटर सील गहराई से नापी जाती है। ट्रैप की वाटर सील की गहराई जितनी ज़्यादा होगी, ट्रैप की एफिशिएंसी उतनी ही अच्छी होगी। नॉर्मली जो ट्रैप की जो इफ़ेक्टिव डेप्थ है वो मानी जाती है हमारी 25 से लेकर के 75 mm तक रखी जाती है। अब बात करें यहाँ पे वाटर सील की, वाटर सील हमारा क्या होता है, तो यहाँ पर आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है, यहाँ से इनलेट है जो हमारा किचन से, वाटर क्लोजेट से या बाथरूम से ये वाला पाइप हमारा जुड़ा हुआ रहेगा, कनेक्ट रहेगा। यहाँ से पानी एंटर करेगा और पानी एंटर करते करते यहाँ से इस डायरेक्शन ये फ्लो हो जाएगा। ये हमारा आउटलेट पाइप है और ये हमारे इनलेट पाइप है। अब इस जो आउटलेट पाइप और इनलेट पाइप का, ये जो यहाँ पे आपको ब्लू कलर का जो वाटर कंटेंट दिखाई दे रहा है, और यहाँ से लेकर के जो हमारा क्राउन है, जो क्राउन का हमारा जो बॉटम दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर जो आपको जो बेंट हमने दिया हुआ है इसमें पाइप में जो बेंट दे रखा है, तो बेंट का ये हमारा जो टॉप मोस्ट जो पोर्शन है, और जो हमारा क्राउन है, क्राउन का ये हमारा बॉटम वाला पोर्शन है, इसके बीच की जो हमारी वर्टिकल डिस्टेंस होगी ये कहलाती है हमारी वाटर सील। और वाटर सील हमारी मिनिमम रखी जाती है 25 mm। 25 mm से कम हम किसी भी कंडीशन में जो है वाटर सील की डेप्थ नहीं रखेंगे, और मैक्सिमम हम इसको ले सकते हैं 75 mm तक। ट्रैप को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, अकॉर्डिंग टू सेफ एंड अकॉर्डिंग टू यूज। सेफ के अकॉर्डिंग पी सेप का होता है, क्यू सेप का होता है, एस सेप का होता है, और यूज के अकॉर्डिंग फ्लो ट्रैप, गली ट्रैप एंड इंटरसेप्टिंग ट्रैप। पी ट्रैप, इसको पी ट्रैप हम क्यों कहते हैं, इसकी जो सेप होती है वो हमारी पी सेप होती है। यहाँ पे जो हमारा ट्रैप इस तरीके से बना हुआ है, अगर इसको हम क्या करेंगे, ये वाला जो हमारा ट्रैप है, ये जो ट्रैप बना हुआ है हमारा, इसको हम अगर इसको उल्टा कर दें, ये हमारा भी इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से अगर हमने इसको उल्टा कर दिया तो हमारा किस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से, तो ये हमारी सेप क्या होगी, पी सेप, इसलिए बोला जाता है इसको पी सेप। पी सेप में हमारी ये दोनों लेग्स हैं, एक लेग हमारी ये हो गई, ये जो हमारी इस तरीके से आ रही है, दूसरी लेग हमारी ये होगी। ये दोनों लेग्स राइट एंगल पर होती हैं, कितनी डिग्री एंगल पर होती है, 90 डिग्री एंगल पर, राइट एंगल पर होती हैं। बात करते हैं क्यू सेप के, क्यू सेप में जितनी भी हमारी लेग्स होंगी, ये हमारी एक पहली लेग है, ये हमारी दूसरी लेग है, बीच में हमारा कनेक्शन दे रखा है। अब ये दोनों लेग्स राइट एंगल पर न हो करके किसी भी एंगल पर हो सकती हैं, वो हमारा एक्यूट एंगल हो सकता है, ठीक है। एक्यूट एंगल का मतलब है वो 90 डिग्री से कम होगा तो वो हमारा एक्यूट एंगल कहलाता है। तो इसकी जो दोनों लेग्स हैं हमारी, वो हमारी राइट एंगल पर नहीं होगी, राइट एंगल के अलावा किसी भी एंगल पर हो सकती हैं। नेक्स्ट है एस ट्रैप। एस ट्रैप में दोनों लेग्स जो हैं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। यहाँ देखिए आपका ये इनलेट पाइप है और ये हमारा आउटलेट पाइप है। इन दोनों की डायरेक्शन अगर आप देखें तो इन दोनों की डायरेक्शन ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो हमारा 180 डिग्री का एंगल है, और 180 डिग्री का मतलब होता है कि यहाँ पे जो दोनों लेग्स हैं वो हमारी एक दूसरे के पैरेलल हैं। इस तरह की फिटिंग नॉर्मल आपने अपने किचन में, टॉयलेट्स में, बाथरूम में, सब जगह देखी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम फ्लो ऑफ वेस्ट वाटर, किस तरीके से हमारा वेस्ट वाटर फ्लो होता है, जो हमारा चाहे किचन से निकला हुआ हो, ठीक है, चाहे हमारा टॉयलेट बाथरूम से निकला हुआ हो, तो किस तरीके से हमारा वाटर फ्लो करेगा। फर्स्ट फिगर में आप देखेंगे कि ये हमारा सिंक है, मान लीजिए हमारा किचन का सिंक है, तो किचन में आप कोई भी अगर मान लीजिए बर्तन वगैरह धुलते हैं या कोई भी साफ़ सफाई करते हैं, तो उससे निकलने वाला जितना भी वेस्ट वाटर है हमारा, इस पाइपलाइन के थ्रू इस तरीके से वेंट होते हुए और इस ड्रेन के थ्रू यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और ये जो हमारी कनेक्ट होगी, ये जो हमारी पाइपलाइन है, ये हमारी कनेक्ट होगी सीवर लाइन से, ठीक है। तो जितना भी हमारा वेस्ट वाटर है, ये ड्रेन क्या करेगी कि जितना भी वेस्ट वाटर निकला हुआ हमारा किचन से, उस वेस्ट वाटर को सीवर लाइन तक कैरी करके ले जाएगी।
अब यहाँ पर जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो ब्लू कलर के एरो दिखाई दे रहे हैं, ये ब्लू कलर के एरो हैं हमारे वाटर को, वाटर के लिए ये रिप्रेजेंट करते हैं वाटर को, वाटर की डायरेक्शन को, हमारा वाटर किस डायरेक्शन में फ्लो होगा। और जो हमारा रेड कलर का जो सिंबल दे रखा है, रेड कलर का जो एरो दे रखा है, ये रिप्रेजेंट करता है एयर की डायरेक्शन को। एयर हमारी जितनी भी हमारी पॉल्यूटेड एयर है जो सीवर लाइन से निकलती है, उसकी डायरेक्शन फ्लो होने की क्या होगी। तो यहाँ पर हमारा प्लम्बिंग फिक्सचर है, सपोज मान लीजिए ये हमारा बास बेसिन है, ठीक है, जो किचन का हमारा सिंक है। तो यहाँ से हमारा जितना भी वेस्ट वाटर है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स फ्लो करता है। ये जो आपको ब्लू एरो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है जो वाटर यहाँ से निकल रहा है वो डाउनवर्ड यहाँ से फ्लो होने की कोशिश कर रहा है, तो नीचे की तरफ फ्लो होगा। अब यहाँ पर जो आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, इतने बीच में जो हमारा वाटर है, जो वाटर सील है, जिसकी जो हमारी मिनिमम जो डेप्थ होनी चाहिए वो 25 mm होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम हमारी वो 75 mm होनी चाहिए। तो यहाँ से जो वाटर है, आप देख रहे होंगे जो ब्लू कलर हमारा फ्लो हो रहा है वो आगे की तरफ फ्लो हो रहा है, और यहाँ पर आकर के ये हमारा मेन सीवर लाइन में वाटर एंटर कर जाता है। और यहाँ से मेन सीवर से जितनी भी हमारी स्मेल है, जितनी भी हमारी गैसेस हैं, जितनी हमारी दूषित वायु है, जो रेड एरो है, आप इस रेड एरो को देख रहे होंगे, ये जो रेड एरो है हमारा कहाँ तक जा रहा है, इस तरीके से होकर के यहाँ पर वाटर सील के अंदर प्रवेश कर रहा है इस तरीके से। अब यहाँ से जितनी भी हमारी ये पॉल्यूटेड एयर है आगे की तरफ नहीं जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जितना भी हमारा यहाँ पे जितनी भी हमारी एयर आएगी, पॉल्यूटेड एयर जितनी भी आएगी, वो इस वाटर सील की वजह से, इस वाटर सील की वजह से यहाँ इस सिंक में, ये जो हमारा सिंक है, मान लीजिए ये सिंक हमारा ये वाला है, तो इस सिंक में प्रवेश नहीं करेगी। जब हमारी पॉल्यूटेड एयर दूषित वायु सिंक में प्रवेश नहीं करेगी तो वो हमारे किचन में भी नहीं आएगी, और जब किचन में नहीं आएगी तो वो हमारे घर में भी नहीं आएगी। तो ट्रैप का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि सीवर लाइन से निकलने वाली जितनी भी हमारी पॉल्यूटेड एयर हैं, जितनी भी हमारी दूषित वायु है, या जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, वो हमारे घर के अंदर प्रवेश न कर पाएँ। तो मेन उद्देश्य जो ट्रैप का है वो हमारा यही है। नेक्स्ट है हमारा पी ट्रैप। जैसे कि हम बात कर चुके हैं, हमारे तीन टाइप के ट्रैप होते हैं, पी ट्रैप, क्यू ट्रैप एंड एस ट्रैप। तो पहले बात करते हैं पी ट्रैप के बारे में। पी ट्रैप का जो नाम दिया गया है वो इसकी शेप के अकॉर्डिंग दिया गया है। यहाँ पर जो जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर इसकी शेप को हम उल्टा कर देते हैं तो ये हमें किस लेटर में दिखाई देता है, पी लेटर में हमें दिखाई देता है। और जितना भी हमारा पी ट्रैप यूज़ किया जाता है वो बिहाइंड द सिंक यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्यू ट्रैप। क्यू ट्रैप हमारा वाटर क्लोजेट एंड टॉयलेट में यूज किया जाता है। पी ट्रैप के जितने भी फंक्शन हैं हमारे बिल्कुल एस ट्रैप की तरह ही होते हैं, एस ट्रैप की तरह ही होते हैं। और जो हमारा पी ट्रैप है वो हमारा अपर स्टोरी में यूज किया जाता है, ग्राउंड फ्लोर को छोड़ दिया जाता है, और ग्राउंड फ्लोर से ऊपर जितने भी हमारी फ्लोर्स आते हैं वहाँ पे हम क्यू ट्रैप का यूज़ करते हैं। सपोज मान लीजिए ये हमारा ग्राउंड ट्रैप है, ये हमारा है ग्राउंड लेवल, ठीक है। तो इससे ऊपर जितना भी हमारा होगा, ये मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, तो ग्राउंड लेवल को छोड़ दिया जाएगा फर्स्ट फ्लोर में, सेकंड फ्लोर में, यानी ग्राउंड लेवल से ऊपर जितने भी हमारे फ्लोर होंगे वहाँ पर हम क्यू ट्रैप का इस्तेमाल करेंगे। और क्यू ट्रैप का इस्तेमाल केवल वहीं करेंगे जहाँ पर हमारे टॉयलेट या वाटर क्लोजेट होंगे। एस ट्रैप का मेन जो बेनिफिट्स है ये हमारा ये है कि ये हमारा हैवियर ऑब्जेक्ट, जितने भी हमारे हैवियर ऑब्जेक्ट्स होंगे, सचैत जैसे मान लीजिए रिंग है हमारी या कोई भी हमारी अदर मटेरियल है, ठीक है, तो उनको ट्रैप करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं गली ट्रैप के बारे में। गली ट्रैप की जो सबसे जो खास बात ये है कि गली ट्रैप हमारा बिल्डिंग के बाहर कंस्ट्रक्ट किया जाता है। जो बास बेसिन, सिंक, बाथरूम, वाटर क्लोजेट, इनसे निकलने वाले वेस्ट वाटर को ड्रेन अथवा सीवर लाइन तक पहुंचाता है। और जितनी भी हमारी सीवर लाइन से निकलने वाली गैसेस हैं उनको घर के अंदर जाने से, एक अच्छे ट्रैप में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए एक अच्छे ट्रैप की, तो सबसे पहली जो क्वालिटी है वो इजीली क्लीन, ये इसकी जो कैपेबिलिटी होनी चाहिए वो इजीली क्लीन होनी चाहिए, इसको आसानी से साफ किया जा सके।
जिसको आसानी से साफ़ किया जा सके, ठीक। सेकंड है इसकी कि इसको किसी भी ड्रेन में आसानी से फिक्स किया जाते किया जा सके, इजीली फिक्स्ड विद द ड्रेन। थर्ड है इसका जो कंस्ट्रक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल होना चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, इसको आसानी से बनाया जा सके। फोर्थ है कि इसकी सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये खुद भी, अगर मान लीजिए हमारे पास में कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है इसी को क्लीन करने के लिए, तो ये खुद भी अपना सेल्फ क्लीन हो सके। फिफ्थ है कि इसकी जितनी भी हमारी सरफेसेज हैं, चाहे वो हमारी इंटरनल सरफेस हो या एक्सटर्नल सरफेस हो, वो हमारी बहुत ही स्मूथ होनी चाहिए। यानी इसके अंदर हमारा कोई भी अगर छोटा मोटा मटेरियल आ जाता है, जितनी भी हमारी इम्प्योरिटी आ जाती हैं, कूड़ा करकट आ जाता है या कचरा आ जाता है, तो वो उसकी स्मूथ सरफेस के अकॉर्डिंग वो इजीली अपने आप फ्लो हो जाना चाहिए। जैसा कि इससे इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, ये गली ट्रैप है आपका, और गली ट्रैप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये हमारी वॉल है। जो गली ट्रैप बनाया गया है वो हमारा बिल्डिंग से बाहर बनाया जाता है, और जो हमारी पाइपिंग जितनी भी हमारी सैनिटरी फिटिंग है वो हमारी वॉल पर की जाती है। वॉल के अंदर से भी आप कर सकते हैं या वॉल के आउटर साइड में भी आप इसको फिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये जो आपका बनाया गया है, ये चाहे तो आप इसको स्टोन वेयर का बना सकते हैं या कास्ट आयरन का बना सकते हैं। स्टोन वेयर का मतलब होता है जितने भी हमारे चिकनी मिट्टी के बर्तन हैं, अगर जो हमारी क्ले होती है उसको हम हाई टेम्परेचर उसको बंद कर देते हैं तो हमारा जो है स्टोन लाइक प्रॉपर्टी आ जाती है उसमें, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं स्टोन वेयर, ठीक है। या तो हम इसको स्टोन वेयर का बना सकते हैं, चिकनी मिट्टी का बना सकते हैं, या इसको कास्ट आयरन का बना सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमने गली ट्रैप बनाया है इसको स्क्वायर फॉर्म में भी बना सकते हैं या सर्कुलर फॉर्म में भी बना सकते हैं। अब गली ट्रैप में यहाँ पे जो हम ट्रैप देंगे, जो मेन हमारा वेस्ट वाटर आता है उसको जो है सीवर लाइन से कनेक्ट करने के लिए जो हम ट्रैप देंगे, वो एस शेप में या पी शेप में, इनमें से आप किसी भी शेप को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो है ये वाल के एक्सटर्नल फेस पर प्रोवाइड कराया जाता है, प्रोवाइड एट द एक्सटर्नल फेस ऑफ वाल्स। जितना भी हमारा वेस्ट मटेरियल किचन से निकलेगा, बाथरूम से निकलेगा, ठीक है, वो हमारे जो हमारी हाउस की ड्रेन है वहाँ से कैरी करके जितना भी हमारा मेन सीवर है वहाँ तक इसको पहुँचा देता है। जैसे आप लोग यहाँ भी देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आपको या इस तरीके से भी हमारी गली ट्रैप बनी हुई होती हैं। यहाँ गली ट्रैप में देख रहे हैं आप लोग, यहाँ अंदर से एक हमारा पाइप निकला हुआ है। अगर आप इस पाइप को, यहाँ पे जो पाइप लगा हुआ है हमारा, इसको आप दीवार के एक्सटर्नल फेस पे नहीं लगाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम इसको कंक्रीट के अंदर से लेते हुए आएँ या दीवार के अंदर से लेते हुए आएँ, तो दूसरे शेप में अगर इसको बनाना चाहते हैं आप, तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये छोटा सा एक होल है, जो ये कंक्रीट की जो हमने स्ट्रक्चर बनाई है, इस कंक्रीट की स्ट्रक्चर में से ये हमारा होल निकाला गया है जो पाइप होल है। तो आप इसको वॉल बनाकर भी, अब वो वॉल आपकी कंक्रीट की भी हो सकती है, वो आपकी ब्रिक की भी हो सकती है, तो उसके अंदर से भी इस पाइप को निकाल सकते हैं, या जो आपका पहली चक्र पहली शेप में जो दे रखा है, आप इस वॉल के एक्सटर्नल फेस पर भी आप इस पाइप को इंस्टॉल कर सकते हैं। दोनों ही मेथड आपके गली ट्रैप में यूज़ किए जाते हैं। अब जब भी हम यहाँ पे इसको इंस्टॉल करते हैं, गली ट्रैप को यूज़ करते हैं, तो गली ट्रैप के यहाँ पर जो हमारा पाइप आ रहा है, ये पाइप हमारा बाल के फेस पे भी हो सकता है या हमारी दीवार के अंदर से भी निकला हुआ हो सकता है। यहाँ पर एक हम बाल्ब लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं क्लीनिंग आइस। यहाँ पर अगर हमें इस पाइप को अगर साफ़ करना हो, तो इस बाल्ब को खोल करके हमें इस क्लीनिंग आइस के द्वारा इसकी साफ़ सफाई या क्लीनिंग हम कर सकते हैं। यहाँ पर जो दूसरा हमें जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इस तरीके से, इसको बोलते हैं हम ग्रेटिंग। ये ग्रेटिंग हमारा रिमूवेबल होता है और हम इसको खोल करके हम इसकी क्लीनिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, या इसके ऊपर जितना भी हमारा सरचार्ज इकट्ठा हुआ है उसको भी हम यहाँ से रिलीफ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें जो हमारा मिनिमम जो है डिस्चार्ज का जो पाइप है, ये जो पाइप हमारा निकला हुआ है दीवार से, ये हमारा गली डिश में, ये जो आपको दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं हम गली डिश। इस गली डिश में ये कम से कम 20 mm बिलो होना चाहिए।
ये जो हमारा पाइप इस गली जिसमें आपको अंदर की तरफ दिखाई दे रहा है, ये मिनिमम कितना होना चाहिए, 20 mm बिलो गली, ठीक है, जो हमारी गली डिस है उससे 20 mm नीचे होना चाहिए। अब यहाँ पे जो हमने ग्राउटिंग की है, ये हमारी कंक्रीट की है, अगर मान लीजिए हमें चांस रहता है कि हमारी स्ट्रक्चर जितनी भी हमने बनाई है, ये गली डिस जो भी बनाई है, इसके डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम इसके अराउंडिंग कंक्रीट की सरफेसिंग कर देते हैं, यानी इसकी कंक्रीटिंग कर देते हैं। अब यहाँ पर जो हमने यहाँ पर ट्रैप यूज़ किया है, ये ट्रैप हमने पी टाइप का यूज़ किया है। अब इसमें डायमीटर आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, इसमें नॉर्मली हम 10 सेंटीमीटर का यानी 100 mm का डायमीटर आउटलेट पाइप का और 100 mm का जो मार रहेगा वो इनलेट पाइप का भी डायमीटर रहेगा। अब यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखनी है कि किसी भी ट्रैप की जो एफिशिएंसी है वो डिपेंड किस पर करती है, वाटर सील पर। एफिशिएंसी हमारी किस पर डिपेंड करेगी, वाटर सील पर। तो वाटर सील हमारा जितना ज़्यादा होगा, हमारे ट्रैप की एफिशिएंसी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। एफिशिएंसी का मतलब है कि जितनी भी हमारी पॉल्यूटेड एयर आएंगी, वाटर सील जो है हमारा उनको घर के अंदर जाने से उतना ही रोकेगा। तो यहाँ पर जो हमें वाटर सील लेके चलना है वो हमें नॉर्मली मैक्सिमम ही लेके चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर मिनिमम इन्होंने दे रखा है कि जो वाटर सील हमने लिया है वो 65 mm लिया है। ये तो केवल मिनिमम है, इससे ज़्यादा आप जितना ले सकें उतना आप ले सकते हैं, क्योंकि डिपेंड जो इसकी एफिशिएंसी है वो डिपेंड है आपकी वाटर सील पर। अब यहाँ पर इसका जो बेस है, हमारा पी ट्रैप का जो बेस है, अगर आपको फ्यूचर में लग रहा है कि ये डैमेज हो सकता है, तो इसको आप 75 mm थिकनेस की कंक्रीटिंग से इसको जो है आप ओवरलेप कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम आपकी जो थिकनेस रखनी पड़ेगी कंक्रीट की वो 75 mm रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट आपका गली ट्रैप, जैसे मैंने भी बताया था, आप चाहे तो इसको जो पाइप हमारा यहाँ पे आ रहा है इसको आप एक्सटर्नल वाल से, यानी ये जो वाल है हमारी, इस तरीके से भी आप इसके अंदर ला सकते हैं, ठीक है। या जैसा इस फिगर में आप लोगों को दिखाया गया है कि यहाँ पे जो पाइप है हमारा, इस जो कंक्रीट की वाल दे रखी है या हमारी ब्रिक वर्क की वाल दे रखी है, इसके अंदर से पाइप हमारा आया है और यहाँ पर हमने एक चैम्बर बना दिया है छोटा सा, जो हमारा चैम्बर है वो कंक्रीट का बना हुआ है और यहाँ पर हमने एक कवर रख दिया है। जैसे इस फिगर में आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि इसकी जो चारों हमारी साइड्स हैं वो किसकी बनी हुई है, कंक्रीट की। तो यहाँ पर भी हमने ये चारों साइड्स ये किसकी बना रखी है, कंक्रीट की बना रखी है। और ये ऊपर जो हमारा ये वाला आपको दिख रहा है, ये हमारा क्या है, कवर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 300x300 का कवर इस्तेमाल कर लिया है इसको ढकने के लिए, ताकि यहाँ पर जितनी भी हमारी इम्प्योरिटी हैं, जितना भी कचरा है वो इसके अंदर न जाए, ठीक है। और यहाँ पे आपको होल दिखाई दे रहा है, ये होल हमारा किससे निकला हुआ है, कंक्रीट की वॉल से। ये हमारा यहाँ पे कंक्रीट की वॉल से ये होल निकला, ये पाइप निकला हुआ है, ठीक है। तो ये पाइप हमारा कहाँ पे ओपन हो रहा है, इस चैम्बर में ओपन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर जो आपको पी कलर का हमने यहाँ पे ट्रैप लगा रखा है, तो जितना भी इसमें वेस्ट वाटर स्टोर होगा इस चैम्बर में, इस पाइप के थ्रू जितना भी वेस्ट वाटर स्टोर होगा, वह वेस्ट वाटर इस पी ट्रैप के थ्रू हमारी सीवर लाइन की पाइप में ट्रांसफ़र हो जाएगा, वहाँ तक आराम से पहुँच जाएगा। और सीवर लाइन से निकलने वाली जितनी भी गैसेज हैं वो हमारे इस चैम्बर में एंटर नहीं कर पाएंगी, क्योंकि यहाँ पर जो हमने वाटर सील रखा हुआ है, जो हमारा ये पी ट्रैप है, इसमें हमें वाटर सील रखना है। और जो हम मिनिमम वाटर सील इसमें रख रहे हैं वो कितना रख रहे हैं, 65 mm का, जिसकी वजह से जितनी भी हमारी पॉल्यूटेड एयर हैं वो इस चैम्बर में प्रवेश नहीं करेंगी। जब इस चैम्बर में हमारे में प्रवेश नहीं करेंगी तो वो हमारे जितना भी किचन है, बाथरूम है, उसमें भी प्रवेश नहीं करेंगी। अब बात करते हैं कि जो हमने अभी तक चारों साइड जो बनाई थी, जो चैम्बर की चारों साइड बनाई थी वो हमने कंक्रीट की बनाई थी, लेकिन यहाँ पे अगर हम चारों साइड को ब्रिक का बनाना चाहें तो ब्रिक का भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे हमने ऊपर उसमें कवर दिया था, तो यहाँ पे आप कवर दे देंगे, ये कवर आपको कंक्रीट का रखना है। साइज अगर आप रखना चाहें तो 300x300 का रख सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर जो इसकी जो विड्थ है, जो आप चैम्बर बनाओगे यहाँ से लेकर के जो इंटरनल इसकी जो विड्थ रहेगी, उसको आप 300 से ज़्यादा रखना पड़ेगा। सपोज मान लिया आपने वो 500x500 mm का रख लिया, 500 mm x500 mm की आपने जो है चैम्बर की डायमेंशन रख ली। उसके बाद में आपने 300x300 का कंक्रीट का कवर रख लिया। अब यहाँ पर जो आपको पाइप दिखाई दे रहा है,
ये पाइप हमारा वाल्व से आ रहा है, ये जो हमारी इस साइड में हमारी एक्सटर्नल वाल्व रहेंगी, इस एक्सटर्नल वाल्व से ये हमारा पाइप आ रहा है, और यहाँ पर जो हमारा चैम्बर बना हुआ है, पाइप से निकलने वाला जितना भी हमारा वेस्ट वाटर है इस चैम्बर में स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पर हमने लगा रखा है गली ट्रैप, इस गली ट्रैप के थ्रू जितना भी हमारा वेस्ट मटेरियल है, जितना भी हमारा वेस्ट वाटर है, वो हमारी मेन ड्रेनेज तक या मेन सीवर लाइन तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। ये जो आपको ऊपर वाले फिगर में दिखाई दे रखा है, ये हमारा एलिवेशन है, और जो आपको नीचे वाले फिगर में दिखाई दे रहा है ये हमारा प्लान है। तो जब इसको प्लान से देखेंगे, तो प्लान होता है हमारा टॉप व्यू, जब आप इसको टॉप से देखेंगे तो आपको ये चारों वाल 1 2 3 4 ये आपको चारों वाल दिखाई देंगे। तो आपने जितनी भी थिकनेस की वॉल इसमें इस्तेमाल करी है, 20 सेंटीमीटर की, 30 सेंटीमीटर की, जितनी भी थिकनेस की आपने वॉल यूज़ की है उतनी सेंटीमीटर की थिकनेस में आप ये चारों वॉल यहाँ पे बना देंगे। इसके बाद में आपने यहाँ पे कंक्रीट का बेड यहाँ पे जो है स्थापित किया है, तो यहाँ पर ये जो यहाँ पे ऑफसेट छोड़ेंगे हम, दोनों साइड में ऑफसेट छोड़ेंगे जितना भी हम प्रोजेक्शन छोड़ेंगे। सपोज मान लीजिए आपने 15 15 सेंटीमीटर का दोनों साइड में प्रोजेक्शन छोड़ दिया है, इधर भी 15 सेंटीमीटर का, इधर भी 15 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग इसकी जितनी भी हमारी कंक्रीट बेड की जितनी भी हमारी विड्थ है, तो उसके अकॉर्डिंग आप विड्थ भी आप ऐड कर लेंगे। विड्थ आप कैसे ऐड करेंगे, सपोज मान लीजिए आपने जो इसकी इंटरनल डायमेंशन मान ली है चैम्बर की, वो है आपकी 500 mm, 500 बाई 500 mm। अब यहाँ पे जो आपने प्रोजेक्शन लिया है दोनों साइड में, जो आपने कंक्रीट से कुछ डिस्टेंस छोड़ने के बाद में आपने ब्रिक वर्क स्टार्ट किया, उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। मान लीजिए जो प्रोजेक्शन लिया है वो आपने 150 mm का लिया है, ये लिया आपने प्रोजेक्शन दोनों साइड में, ठीक है। तो 150 mm का प्रोजेक्शन आपका इस साइड में हो जाएगा और 150 mm का प्रोजेक्शन इस साइड में हो जाएगा, तो कितना हो गया आपका 300 mm। और 500 की जो आपकी विड्थ है वो आपकी इंटरनल विड्थ है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे जो हमारा कंक्रीट वेड है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हमारी टोटल यहाँ से यहाँ तक की जितनी भी कंक्रीट वेड की जो हमारी विड्थ होगी वो कितनी हो जाएगी, 500 प्लस 300। और सपोज मान लीजिए आपकी जो है दीवार है वो आपकी 20 20 सेंटीमीटर की है, तो 20 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 200 mm, 200 mm, तो 200 mm इस साइड की, 200 mm आपकी इस साइड की, तो कितना हो गया 400 mm, तो ये कितना हो गया आपको टोटल 1200 mm, ठीक है। तो आपकी जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो कंक्रीट बेड की चौड़ाई है वो आपकी कितनी हो जाएगी, 1200 mm, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो प्लान में आपको दिखेगा जितनी भी डायमेंशन दिखेगी ये आपकी 1200 mm हो जाएगी। अगर आपने स्क्वायर फॉर्म में ये चैम्बर लिया है तो इधर भी आपकी 1200 mm हो जाएगी, ठीक है। बाकी यहाँ पे जितना भी आपने गैप छोड़ा है, ये जो प्रोजेक्शन छोड़ा है वो आपका कितना हो जाएगा, 150 mm का, ठीक है। और जब आप इसको टॉप से देखोगे, यहाँ से टॉप से देखोगे, तो आपको ये जो पाइप का होल है, जो आपका इनलेट पाइप है, इस इनलेट पाइप का होल आपको दिखाई देगा। उसके बाद में यहाँ पे आपका जो है जो पाइप यहाँ से वॉल के थ्रू यहाँ से पास हो रहा है, तो इस पाइप को आप इधर आगे की तरफ एक्सटेंड कर दोगे। तो इस तरीके से आप जो है इसका एलिवेशन एंड प्लान दोनों ही बना सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमने कंक्रीट का इसमें बेड यूज़ किया है, इसको आप 10 सेंटीमीटर की थिकनेस का रख सकते हैं, और इसमें जो कंक्रीट आप यूज करेंगे वो नॉर्मली 1/4/8 की या 1/5/10 की यूज कर सकते हैं, 1/4/8 की या 1/5/10 की आप कंक्रीट इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ जो पाइप का आपका डायमीटर रहेगा वो आपका 10 सेंटीमीटर का यानी 100 mm का रहेगा, दोनों पाइप का, इनलेट पाइप का भी और आउटलेट पाइप का भी। अब यहाँ पे जो चैम्बर की आपने हाइट रखी है, ये जो चैम्बर की आपने हाइट रखी है, इस हाइट को आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए आप इसको अगर 80 सेंटीमीटर मोटाई में डेप्थ में रखना चाहते हैं तो उतना भी रख सकते हैं, 1 मीटर की अगर ऊंचाई का रखना चाहते हैं तो 1 मीटर की ऊंचाई का भी इसको रख सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका जो वेस्ट वाटर है उसका डिस्चार्ज आपका पर डे कितना हो रहा है। अगर आपका डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है तो इसकी हाइट आपको ज़्यादा रखनी पड़ेगी, या इसका एरिया आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, हाइट कम करनी पड़ेगी, या अगर एरिया कम रख रहे हैं तो आपको इसकी हाइट ज़्यादा करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है आपका फ्लो ट्रैप।
और ननी ट्रैप, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं ननी ट्रैप। ये जो फ्लो ट्रैप है हमारा, जैसे इसके नाम से ही पता पड़ रहा है, ये जो इस्तेमाल किया जाता है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, फ्लोर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब भी हम अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं या जो भी हमारा बारिश का पानी आता है, तो इस फ्लो ट्रैप के अकॉर्डिंग ही, इस फ्लो ट्रैप के सहायता से ही हमारा मेन सीवर तक वो वेस्ट वाटर पहुँचता है। अब इसमें जितना भी हमारा वेस्ट वाटर आएगा, ठीक है, वो हमारा फ्लोर से, किचन से, बाथरूम से, ठीक है, तीनों जगह से जितना भी हमारा वाटर क्लोजेट है वहाँ से भी आएगा, ठीक है। इसको भी हम कास्ट आयरन का बना सकते हैं, ठीक है, और इसको अगर पीवीसी पाइप का अगर आप यूज करना चाहें तो पीवीसी पाइप का भी आप यूज कर सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अपने घर में ये इस तरीके का पाइप अक्सर देखा होगा। अब इसमें जो बात आती है, यहाँ पर जो हमने फ्लो ट्रैप यूज़ किया है, ये आपका मल्टी इनलेट है। अब आप देख रहे हैं, एक इनलेट आपका यहाँ से है, एक इनलेट यहाँ से है, एक इनलेट यहाँ से है, एक इनलेट इस साइड से है। तो यानी यहाँ पर जो इसमें वेस्ट वाटर जो आएगा आपके फ्लोर का, चाहे वो किचन का फ्लोर हो या बाथरूम का फ्लोर हो या वाटर क्लोजेट का फ्लोर हो, ठीक है, चाहे आपके बरामदे का फ्लोर हो, कोई भी फ्लोर हो, ठीक है, तो आप सभी फ्लोर से इसमें आप चार कनेक्शन दे सकते हैं। यानी इसमें ये हमारा कैसा है, मल्टी कनेक्शन फ्लोर है, ठीक है, मल्टी कनेक्शन फ्लोर टाइप ट्रैप है हमारा। तो इसमें वाटर इस साइड से भी आ जाएगा, इस साइड से भी आ जाएगा, यानी इसमें चार साइड से हमारा वाटर, वेस्ट वाटर एंटर कर जाएगा। जैसा कि आपने देखा होगा घरों में इस तरीके का हम ट्रैप इस्तेमाल करते हैं, तो ये ट्रैप कहलाता है हमारा फ्लो ट्रैप, ठीक है। और इस फ्लो ट्रैप के अकॉर्डिंग हमारा जितना भी वेस्ट वाटर है वो हमारा मेन सीवर लाइन में ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। अब बात करते हैं इसकी ड्राइंग के बारे में। तो यहाँ पर जो आपको दे रखा है, ये इसका सेक्शन है, इसका प्लान है और ये इसका डिटेल दे रखा है। जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पर ग्रेटिंग करते हैं। ग्रेटिंग का मतलब होता है कि जितने भी आप उसमें हमारा जो भी कचरा है, जब हम साफ़ सफाई करेंगे तो कचरा जो हमारा उसके अंदर ना जा पाए, तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रेटिंग यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपकी जो ग्रेटिंग है, ये आपकी ग्रेटिंग कास्ट आयरन की भी हो सकती है, ठीक है, स्टील की भी हो सकती है, और ये ग्रेटिंग रिमूवेबल होती है, आप इसको खोल भी सकते हैं, ठीक है, और इसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं और इसकी क्लीनिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद में, जैसा कि मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था कि ये जो इसके इनलेट हैं, ये हमारा किस तरीके का है, मल्टी इनलेट, यानी मल्टी इनलेट, ठीक है। तो इसमें हमारा कई डायरेक्शन से वेस्ट वाटर इसमें एंटर कर जाएगा, और यहाँ पर यहाँ एक लेड की हम चॉक्ड जॉइंट रखते हैं, तो यहाँ पर जो भी इतना भी हमारा पी शेप है या एस शेप का जितना जो भी हम ट्रैप यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो इसको जॉइंट करने के लिए यहाँ पर हमें एक लेड चॉक्ड जॉइंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो उस लेड चॉक्ड जॉइंट के द्वारा हम जो है पी ट्रैप को या एस ट्रैप को यहाँ से जॉइंट कर देते हैं, ठीक है। और बस हमको फिर वही चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें जो हमारा वाटर सीज जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 25 mm से लेकर के 65 mm होना चाहिए, 65 mm होना चाहिए, ठीक, सॉरी 75 mm होना चाहिए। तो यहाँ पर हम जितना ज़्यादा हम वाटर सील यूज़ करेंगे तो ट्रैप की एफिशिएंसी भी हमारी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसलिए यहाँ पर अगर आप चाहो तो 75 mm का वाटर सील यूज़ कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।